नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज शो टॉप नाइन। क्या बाइडेन सरकार में अमेरिकी बनेंगे इंडिया वाले? बाइडेन से क्यों डरा चीन? ट्रंप हार मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अमेरिका से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज टॉप नाइन एक्शन मैन बाइडेन में। बाइडेन ने भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के संकेत दिए हैं। कुर्सी संभालते ही 5 लाख प्रवासी भारतीयों को अमेरिका की नागरिकता दे सकते हैं। बाइडेन प्रशासन ने H-1B समेत उच्च कौशल वीजा की सीमा बढ़ाने के मुद्दे को भी एजेंडे में शामिल किया है। जो बाइडेन के हाथ में अमेरिका की कमान मिलता देख चीन चौकन्ना हो गया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक बाइडेन नई बोतल में पुरानी शराब बेचने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएंगे। ड्रैगन इस बात से डरा हुआ है कि बाइडेन के आने से एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे चीन का असर कम हो सकता है। अमेरिका के ओरेगन में ट्रंप समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन किया। ट्रंप और बाइडेन समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। चोरी रोको अभियान के तहत ट्रंप समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जॉर्जिया में ट्रंप समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। चुनाव में धांधली को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। हंगामे के दौरान एक पत्रकार भी घायल हुआ। बाइडेन की जीत पर ट्रंप ने एक और हमला बोला है। ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन की जीत चीटिंग से हुई है। ये लोग चोर हैं, इनको जो चुराना था चुरा ले गए। उन्होंने कहा कि शहर का बड़ा तंत्र भ्रष्टाचार में शामिल है और बाइडेन की जीत हैरान करने वाली है। सीट छोड़ने से पहले ट्रंप ने नया प्लान बनाया है। उन्होंने ईरान के खिलाफ बैन लगाने की सॉलिड तैयारी की है। इससे बाइडेन के लिए ईरान से डील करना बेहद मुश्किल होगा। 2015 में अमेरिका की ईरान से न्यूक्लियर डील हुई थी, लेकिन ट्रंप ने न्यूक्लियर डील पर रोक लगाकर हड़कंप मचा दिया था। फर्स्ट लेडी मिलेनिया ने डोनाल्ड ट्रंप को हार मानने की सलाह दी है। मिलेनिया का कहना है कि अब ट्रंप को बाइडेन की जीत स्वीकार कर लेनी चाहिए। मिलेनिया ने ट्रंप के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार भी किया था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाइडेन की टीम में भारतीयों को जगह मिली है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाइडेन टीम के सह अध्यक्ष विवेक मूर्ति होंगे। विवेक मूर्ति मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। बाइडेन आज अपनी टीम की घोषणा कर सकते हैं। अमेरिका के होने वाले वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के पति डगलस एम हॉफ यूएस के सेकंड जेंटलमैन बनेंगे। वो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के पति हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी को फर्स्ट लेडी के नाम संबोधित किया जाता है, जबकि उपराष्ट्रपति की पत्नी को सेकंड लेडी कहा जाता है।